खट्टा तो ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन तो रहता ही है, साथ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहता है, पेट की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करते हैं। ज़्यादातर इंडियन घर में फ्रेश दही डेली बनता है। लस्सी, काढ़ी, रायता, छाछ या तो प्लेन दही खाने के लिए। बाजार का दही घर का दही जैसा हेल्दी भी नहीं होता है। दही बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा जामन यानी स्टार्टर भी नहीं लगता है। दही खाने का इतने सारे फायदे हैं, तो बनाते कैसे हैं देख लेते हैं। दही बनाने के लिए लगता है दूध। दूध आप फुल फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं या तो लो फैट मिल्क यानी डबल टोन्ड मिल्क भी ले सकते हैं। हमने डबल टोन्ड मिल्क लिए हैं 700 ग्राम। दूध को मीडियम फ्लेम में उबालेंगे। अगर आप गाढ़ा दही पसंद करते हैं तो 10 मिनट इसे लो फ्लेम में और रखें। इससे क्या होता है, दूध का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बॉयल हो जाता है। दूध बॉयल होने टाइम में इसे लगातार चलाते रहना होगा, नहीं तो बर्तन का नीचे लगने का चांसेस रहता है। दूध गुनगुने ठंडा होते होते हम एक छोटे चम्मच जामुन यानी स्टर्टर को एक छोटा बोल में अच्छे से फेंक लेंगे। जामुन यानी स्टार्टर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो दो ही एक दिन बाद ही खट्टा हो जाता है। और स्टार्टर को कभी भी रेफ्रिजरेटर से डायरेक्ट निकाल के यूज़ ना करें। 1 लीटर दही के लिए 1 छोटे चम्मच स्टार्टर ही काफ़ी है। 1 बड़े चम्मच नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिस बोल में या कंटेनर में आप दूध को जमने के लिए डालेंगे उसमें अच्छे से ये स्टार्टर को स्प्रेड करेंगे इस तरह से। अगर आप विंटर में या तो कोल्ड वेदर में दही जमा रहे हैं तो स्टार्टर 1 बड़े चम्मच डालना होगा। अगर आप मोटापा कम करना चाहे तो यूज़ करें डबल टोन मिल्क के दही। दूध से दही बनाने के लिए दूध को ल्यूकवार्म यानी गुनगुना होना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाने से भी दही नहीं जमेगा और बहुत ज़्यादा गर्म रहने से भी दही नहीं जमेगा। तो पता कैसे चलेगा, इजी है। आप अपना साफ उंगली से टेस्ट कर सकते हैं। अगर उंगली को डालने से गर्म लगे लेकिन उंगली को थोड़ा देर आप रख पाए मिल्क के अंदर तो इसे ल्यूकवार्म बोलते हैं। मिल्क ल्यूकवार्म हो गया है तो इसे हम बर्तन में डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। दूध को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। स्टार्टर डालने के बाद इसे ढक देते हैं। समर में ये सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं और विंटर में 7 से 8 घंटा लग जाता है। अगर आप रात को दही जमाएंगे तो सुबह तक ये बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। देख लेते हैं दही अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। दही हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे, 2 घंटा रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे। रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने के बाद आप देख सकते हैं दही कितने अच्छे से सेट हुआ है। विंटर में या तो कोल्ड वेदर में आप कैसरोल के अंदर दही को जमा सकते हैं तो दही अच्छे से सेट हो जाता है। और एक मोटा कपड़ा या तो ब्लैंकेट से अच्छे से इसे लपेट के घर के कोई भी गर्म जगह में या तो सेल्फ के अंदर आप रख सकते हैं।
तो आपने देखा घर में दही बनाना कितना आसान है और बहुत ज़्यादा स्टार्टर भी नहीं लगता है। इस दही से आप आपके मनपसंद कोई भी रेसिपी, लस्सी, रायता, कढ़ी, कुछ भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। आपको अगर हमारा ये दही बनाने का रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रावणीज किचन को। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी।